भाई जी भी बाघ देख रहे हैं और दादी भी देख रहे हैं और यहाँ पे भी सभी बाघ देख रहे हैं। बाघ आ गया ना उस साइड में भी देख रहे हैं, बाघ घूम रहा दिन दहाड़े। अबे आज हम वो भी नहीं लाए बाइक, नीचे साइड में होगा, हल्ला नहीं करना। भाई साहब कितने सारे गिद्ध हैं यहाँ, दो दो गाय मारी है बाघ ने। यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ना एक गाय मरी है ये वाली, और एक यहाँ पे मार रखी है उसने, नीचे दो गाय मार रखी है बाघ ने। उसको खाने ना यहाँ पे दो तीन दिन से वो लगातार आ रहा है। तो अभी के टाइम पे क्या करते हैं कि अंधेरा होने वाला है, भाई इधर आ जाओ। अब टाइम पे अभी के टाइम पे करते क्या है कि ये जो दीवार है ना इस दीवार को खोलते हैं, किसी ने जानबूझ के बंद कर रखी है। उधर चले गए, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उकाल गांव से। तो उकाल गांव चलते हैं, कितना प्यारा सुंदर सा गांव है, और वहां पे चलते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं उकाल गांव। उकाल गांव छोटी सी जगह में बसा है, पर यहां पे भी ना कुछ ज़्यादा ही पलायन है, यहां पे भी लोग जा चुके हैं। यहां पे 60 परिवार गाँव में रहते थे, आज के टाइम पर यहाँ पर गाँव में खाली 20 परिवार ही रहते हैं। देखिए पलायन तो हमारे गाँव में भी है, पर यहाँ के जो दो तीन गाँव हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पलायन है। आज मौसम काफ़ी बढ़िया है, बादल भी लगे हैं। उकाल गांव की जो खेती है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ऊपर साइड से, और धीरे धीरे करके हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इनकी खेती है, और कुछ खेती इनकी इस पहाड़ी के इस साइड भी है। उकाल गांव के लोग सभी गांव में हैं, और यहाँ पे दादी बैठी है, कुछ बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ दादियाँ यहाँ पर बैठी है। इस ठंडे ठंडे मौसम में सब एक साथ बैठे हैं। उकाल गांव घूमने मैं और अंकित भाई जा रहे हैं आज। हाँ आज दादी और उसे पिटवाएंगे इसे। कोई बात नहीं, हम पिटने के लिए तैयार है। आज गालियां भी खिलाएंगे। हाँ हम खाएंगे, ठीक है। उकाल गांव के जो मकान है उनके घरों के फटाले देखिए कितने छोटे छोटे से हैं ना, चपरे टाइप के। हमारे यहाँ पे इनको चपरे बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे से, एकदम बड़े बड़े फटाले नहीं है। आप गाँव के अंदर एंटर हो चुके हैं, और यहाँ देखिए घास रखा है भाई चौकों में भी। यहाँ पे देखिए कितने पुराने पुराने मकान है। यहाँ पे देखिए ये जो लहसुन और का है ना, तो इनके कितने बड़े बड़े पत्ते और के हैं भाई साहब। इस साइड में देखिए यहाँ पे आलू भी बोए हैं, और कुछ दादियाँ यहाँ पे नीचे बैठी हैं, जब हमने ऊपर से भी दिखाया होगा। तो चलिए फिर नीचे ही चलते हैं, गांव में जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर मकान है ना, काफ़ी पुराने पुराने। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो मकान दिखाई देंगे वो फटाले वाले ही दिखाई देंगे, यानी कि आपको सीमेंट वाले मकान बहुत कम दिखाई देंगे इस गांव में। कुछ मकान इस साइड भी हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी मकान हैं ना यहाँ पे चारों तरफ से काफ़ी नज़दीक नज़दीक मकान हैं, सारे चिपके पड़े हैं। ये देखिए मकानों के डिज़ाइन देखिए भाई, यहाँ पे ऊपर तख्ते भी रखे हैं पत्थरों से दबा के, और एक मकान यहाँ पर इस साइड में भी है। तो अब सभी का खेतों से घर आने का टाइम हो रहा है, तो कुछ लोग उस साइड से घर पे भी आ रहे हैं। तो चलिए फिर इस साइड को ही चलते हैं जिस साइड से आए थे, और नीचे की तरफ चलेंगे। देखिए गांव के बीचों बीच में एक दुकान भी है जो कि यहाँ पे है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ऊपर साइड में चलेंगे, यहाँ पे दादियाँ ही दादियाँ बैठी हैं काफ़ी सारी। इस ठंडे ठंडे मौसम में दादियाँ आपस में छुईबत्ते लगा रहे हैं। दादी और कितने पुराने से मकान के नीचे साइड में बैठे हैं, और ये मकान अब टूटने वाला और का है। तुम तो डर नहीं लगनी चाहिए एक मोड़ बैठना में। अच्छा ये हम फेवरेट अड्डा चाहे सांबर का टाइम फिर हम बैठन। अच्छा तो दादी और शाम को यहीं पे ही बैठते हैं कह रहे हैं, और डर भी लग रही है इसके नीचे बैठने में ना, पता नहीं कब टूट जाए ये मकान, वैसे भी काफी पुराना हो चुका है। यहाँ पे भी काफी बुजुर्ग लोग आपको गांव में देखने के लिए मिल जाएंगे, अपने साइड में ऐसे बैठे हुए नहीं दिखाई देते। देख ले सब दादियाँ 90-90 साल की हैं। हैं 90 साल, वो शायद 85 होंगी, वो दादी भी 90 है, वो दादी शायद 92 साल की होंगी, वो दादी भी लगभग 88 साल की है, वो ताई है। अच्छा वो 60-62 साल की है। तो अब थोड़ा ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लग गई। उकाल गांव की कुछ खेती इस साइड में भी है, और कुछ मकान इस साइड में भी है। यहाँ पे ना ये ऊपर देख रहे होंगे ऊपर साइड में, तो यहाँ से ना पश्चिमी अमेली जो जंगल है शुरू हो जाता है,
और यहाँ पे आपको जानवर वगैरह काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस साइड में ना खेती बाड़ी कम कमी है और कीवी कम कमी जाती है क्योंकि यहाँ पे जानवर वगैरह खेतों में आ जाते हैं और जितना भी बोया होता है वो खा जाते हैं जानवर वगैरह, तो इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा कम कम खेती बाड़ी की जाती है। और अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ पे उस साइड में हमने दो दो बाग भी देखे थे कल, जो ये वाली पहाड़ी ना इसके इसी साइड में ही, तो यहाँ पे बाघ दिखना आम बात है। बाघ तो बाघ भी, यहाँ पे रिकी भी आता है दादी और कह रहे इन जगहों पे ना एक दिखे चाहिए डेली आंद। अच्छा एक जानवर दिखने रही, तो दादी कह रही है इस साइड में ऊपर साइड में जानवर वगैरह दिख जाते हैं, कभी भालू दिख जाता है कभी बाघ दिख जाता है। अच्छा यखी तो इस साइड से भी मतलब भालू जाता हुआ दिखाई दिया सुबह के टाइम पे कह देना। अच्छा तो सबू खा ला गया राहुल फिर हल्ला। अच्छा तो सुबह सुबह का टाइम था। अच्छा तो यहाँ पे भालू रिकी ये आम बात है ना, ये बाघ वगैरह जो आते जाते हैं अपने साइड में तो होता क्या है कि बहुत कम दिखाई देते हैं, पर इस साइड में क्या है कि ऊपर का साइड जो जंगल है ना पूरा परमानेंट भालू और बाघ का अड्डा ही है ये जो जगह है। उकाल गांव के लोग यहाँ पे ना मक्का वगैरह नहीं बोते, वो इसलिए नहीं बोते क्योंकि यहाँ पे ना भालू वगैरह कुछ ज्यादा ही देखने को मिलते हैं, वो यहाँ गांव में आ जाते हैं और फसलें बर्बाद कर देते हैं। दादी क्या थी आप कह रहे दादी जरा इन दादी के तो दांत बिल्कुल भी नहीं है ना, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं खोल रहे मुंह। पता कैसे एक यहाँ एक बागा जाना ही जन बागा खुंदी। अच्छा देख लिया दादी बल स्माइल कह दिया तब तब पक्का दांत लेके आने अगली बार। हाँ हाँ पूरा सेट ऑल तो काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके उकाल गांव में। अभी थोड़ा नीचे भी चलेंगे थोड़ी देर में, पहले कुछ देर यहाँ पे दादियों के साथ बैठते हैं और बातें वगैरह करते हैं। अभी तक दादियों के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, अब थोड़ा सा ऊपर साइड में आए हैं यानी कि जो इस गांव का पंचायत चौक है वहाँ पे आए हैं और कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हैं। गांव के बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। अब यहाँ से घूमते हुए थोड़ा ऊपर की साइड में भी चलते हैं। गांव घूमने में काफी अच्छा लग रहा है, इस साइड में सभी लोग गांव में ही है तो यहाँ पे खेती बाड़ी थोड़ा कम कमी की जाती है। गांव के सबसे नीचे वाले मकान में आए हैं और यहाँ पे दादी बैठी है और अंकित भाई दादी के साथ में बैठे हैं, यहाँ पे दादी की मदद कर रहे हैं बीड़ी जलाने में। अरे बस करो भाई इतनी तलब बीड़ी की पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो दादी कब से जला रही थी उस बीड़ी को नहीं जला पाए, तो अब ऊपर की साइड में चलते हैं घूमते हुए। थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे भी देखिए कितने पुराने पुराने मकान है, कैसे एकदम अलग ही दिखाई दे रहे हैं ना बिल्कुल ही। तो अब घूमते हुए थोड़ा ऊपर की साइड में चलते हैं। बैठ दादी। हाँ तो जो भी है काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है भाई उकाल गाँव घूमने में भी, यहाँ पे लोग है और तिमल खाल में लोग नहीं है। तो घूमते हुए अब थोड़ा सा फिर एक बार से नीचे कहीं और चलते हैं और यहाँ पे दादा लोग बैठे ही हैं टाइम पास कर ही रहे हैं, वो दादी और छुई बता लगा ही रहे हैं उस साइड में और एक दादी यहाँ पे भी बैठी है और एक दुकान यहाँ पे भी है, एक ऊपर साइड में थी एक यहाँ पे है। दादी यहाँ पे आराम से बैठी है, अगर जो यहाँ पे से आप पीछे वाला मकान देखेंगे तो किस तरीके से खंडर हो चुका है आज के टाइम पे ना, ये काफी पुराना मकान हो चुका है, उसकी जो लकड़ियां हैं वो टूटने लग गई हैं, काफी सड़ चुकी हैं वो लकड़ियां। तो पूरा उकाल गांव घूम रहे हैं, यहाँ पे पुराने पुराने मकान ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दादी तुम मर चाहिए कहें का मौक बोल बोल। अच्छा वो चल गयो शहर चल गए पलायन। अच्छा अच्छा इन दादी और का मकान यही वाला है
और यहाँ पे देखेंगे तो दादी यहाँ पे भी आग जला के रखते हैं ना, यहाँ पे उबर में, ऊपर साइड में नहीं रखते, ऊपर साइड अब थोड़ा पुराना सा हो चुका है, तो यहाँ के मकान पुराने कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल ही। तो बैठा दादी, हाँ हाँ, अभी के टाइम पे वहाँ पे ऊपर साइड में बाग आ चुका है और सभी गाँव के लोग बाग देख रहे हैं, आज बाग आ गया ना, और उस साइड में दादा लोग भी अब बाग को ही देख रहे हैं, दादी भी देख रही है। तो बाघ तीन चार दिन से लगातार दिख ही रहा था हमें, और भीड़ भी है और बाघ भी है, इस वाली धार में बाघ बैठा है। दादी भी अब शाम के खाने का इंतजाम कर रहे हैं, प्याज वगैरह काट रहे हैं ना, और यहाँ पे ये भी बाघ ही देख रहे हैं अब। तो अब हम चलेंगे उस साइड से पैदल पैदल। देखो ये रोड पे ना, यहाँ पे बाघ देखो खड़ा है, देखो ये देखो, ये देखो देख रहे है, हाँ रोड पे है बाघ, अरे रोड पे, रोड पे जरूर, हल्ला मत कर, हल्ला मत कर। तो ये शाम के टाइम पे ना रोड पे बाघ घूम रहा है, तो ये देखो यहाँ पे रोड पे बाघ घूम रहा है दिन दहाड़े। अबे आज हम वो भी नहीं लाए बाइक। तो दोस्तों ये देखिए रोड पे बाघ घूम रहा है, ये देखो यहाँ पे रोड पे भाई साहब, अबे आज हम वो भी नहीं लाए बाइक भाई साहब। तो ये रोड पे आराम से मस्त तरीके से, वो देखिए बीच रोड में बैठ गया, बीच रोड पे। ये बाघ है कि भालू है? बाघ है यार। हाँ ये बाघ अलग से दिखाई दे रहा है ना इसके कलर की वजह से। अबे यार आज बाइक भी नहीं लाए यार, गलत हुआ। तो क्या हो गया भाई साहब, कैसे बैठ गए नीचे साइड में बैठ गए, डर भी नहीं रहा। ठीक है अभी देखते हैं किस साइड में जाता पहले। भैजी भी बाघ देख रहे हैं और दादी भी देख रहे हैं और यहाँ पे भी सभी बाघ देख रहे हैं, बाघ आ गया ना उस साइड में भी देख रहे हैं। उकाल गांव से अब घर की ओर निकल रहे हैं और रोड में बाघ भी बैठा है, मुझे आ जाएगी बाघ देखने में आज, फटाफट चलते हैं। भैजी भी है साथ में, तीन हम बहुत है, दो बाघ है, एक ऊपर साइड बैठा है, एक रोड में घूम रहा है अभी। हमने थोड़ी देर में आना था घूमते हुए काल गांव से, पर अभी के टाइम पे बाघ दिख गया ना, तो आज बाघ दिखाना है। काफी दिनों से कह रहे थे कि बाघ दिखाना है, बाघ दिखाना है, और कुछ के लिए पे हमने इस वजह से डाउन भी कर दी कि दिखा नहीं था, तो आज नजदीक से देखेंगे। गुलदार हो, दो तीन दिन से हो क्या रहा था कि बाघ दिख रहा था, पर वो पलक झपकते ही होता है ना, उसकी जो स्पीड होती है काफी तेजी से भाग जाता है, वो थोड़ा सा दिखता है सामने और बहुत तेजी से भागता है। तो आज कैमरा पहले ही ओपन करके रखते हैं, इसी साइड में घूम रहे थे, दो बाघ थे शायद, नीचे घूम रहा हो, हाँ यही वो जगह थी, यहीं पे नीचे साइड में होगा, बिना अल्लाह किए जाना है, अल्लाह नहीं करना, यही वो जगह थी, यहाँ पे से ही नीचे गया बाघ, अब नहीं दिखाई दे रहा हो, यही वाली जगह थी बाघ की, ऊपर साइड में भी था एक, हमने वहाँ से देखा था जूम करके, और यहीं पे था, और अब पता नहीं कहाँ गया यहाँ से। हमें वहाँ से आने में कम से कम 3 मिनट लगे, और 3 मिनट में ही बाघ इतनी तेजी से खिसक गया। अब नीचे भी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा दिखेगा, क्या पता इसी रास्ते पे आगे दिख जाए। हमें 3 मिनट लगे बस वहाँ से आने में, और वो इतनी देर में पता नहीं कहाँ पहुँच गया, पता नहीं चला उसका, कहीं पीछे से आ रहा हूँ हैं, जो मैंने देखा यहाँ से, यहाँ पे डेली दिख रहे हैं ना ऐसे बाघ आजकल, क्या है ना बाघ तो नहीं। जब हम घर की तरफ आ रहे थे तब हमें बाघ दिखा नहीं। अगर जो दोस्तों आप भी वीडियो में पहली बार आए हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने का मजा तभी है जब साइड में घंटी के बटन को आप ऑल पे कीजिएगा, इससे होगा क्या कि हमारी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी को नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।